रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल हिट हुई। एनिमल के हिट होते ही भोजपुरी फिल्मों के निर्माता इस फिल्म की नकल बनाने में जुट गए हैं और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाएंगे खेसारी लाल यादव। भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव अब अपनी आगामी फिल्म जो कि एनिमल की कॉपी होगी उसकी तैयारी में जुट गए हैं और इस फिल्म का नाम है डंस। भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन कहे जाने वाले अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म डंस फिल्म एनिमल की नकल बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की कहानी न सिर्फ एनिमल की नकल है बल्कि इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन भी एनिमल की तरह ही होंगे। इसके लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक साउथ के बड़े एक्शन डायरेक्टर के संपर्क में हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में हिंदी और साउथ के कुछ बड़े एक्टर भी होंगे। खेसारी लाल यादव की फिल्म डंस की शूटिंग की तैयारी चल रही है। इस फिल्म की शूटिंग जनवरी से बनारस के आसपास शुरू होगी। खेसारी लाल यादव की ही पहले की रिलीज भोजपुरी फिल्मों पर नजर डालें तो उनकी फिल्मों की कहानियां न सिर्फ हिंदी फिल्मों से मिलती जुलती हैं बल्कि भोजपुरी फिल्मों के शीर्षक भी हिंदी फिल्मों के नाम पर ही होते हैं, चाहे वो बोल राधा बोल हो, फरिश्ता या फिर संघर्ष। हाल ही में खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती का भी ट्रेलर लॉन्च हुआ और जब खेसारी लाल यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भोजपुरी हिंदी के समकक्ष है, इसलिए अगर उनकी फिल्मों के शीर्षक हिंदी फिल्मों के जैसे होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मतलब तो वही होता है, हिंदी की टूटी हुई भाषा ही भोजपुरी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।